अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत जिमनी इलेक्शन के दौरान खुलकर सामने आ गई। हार के बाद हुक्मरानों को अपनी हैसियत का पता चल गया, डिस्का रवानगी से कबल जाती अमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि डिस्का की अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी, वोट को इज्जत दी, अवाम ने आटा और चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया, उनको अवाम में अपने मकाम का पता चल जाना चाहिए। कौमी असेंबली के हलका NA 221 थरपारकर वन में जिमनी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा निजामुद्दीन का इल्जाम, कहा कि इसरार पोलिंग स्टेशन पर धमाका किया गया। निजामुद्दीन का कहना था कि सिंध पुलिस DSP की निगरानी में मेरे मुखालिफ की मदद कर रही है। हफीज शेख की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात, काफ लीग की क्यादत ने सैनेट इंतखाबात में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। गुजरांवाला की अराकीन असेंबली का वजीर खजाना से तरक्याती फंड्स ना मिलने का शिकवा, हफीज शेख ने शिकवे दूर करने का वादा कर लिया। सैनेट इलेक्शन से कबल नाराज अरकान को मनाने के जतन, वजीर आला सिंध वज़रा के साथ खैरपुर पहुंच गए। साजिद भान भन प्यार अली शाह और सैयद फजल शाह से मुलाकातें, वफाकी हुकूमत की तरफ से खरीदो फरोख के इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। डिस्का के जिमनी इंतखाब में 20 पोलिंग स्टेशन के नतीज में रद्दोबदल का खदशा, इलेक्शन कमीशन ने नतीजा रोक लिया। प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों के थेलों समेत सारी रात गायब रहे, मुकम्मल तहकीकात के बाद नतीज जारी करने ना करने का फैसला होगा। 20 पोलिंग स्टेशन पर नहीं, डिस्का की कौमी असम्बली की नशस्त पर दोबारा इंतखाबात चाहते हैं नून लीग का मुतालबा। मरियम नवाज ने रिजल्ट रोकने का ऐलान हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट करार दे दिया। फायरिंग से जा भाग दो नौजवानों की ताजियत के लिए वर्सा से मिलने का ऐलान, PTI रहनुमाओं की फायरिंग करने की मुबैना वीडियो भी दिखा दी। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज के इल्जामात और दावे मुस्तरद कर दिए। PTI उम्मीदवार की फतह का दावा, जीत पर इलेक्शन शफाफ और हारने पर धांधली का शोर, शिमली फराज और फवाद चौधरी का तंज, वोटों के बैग उठाकर भागने वालों को लीगी कारकुन थे। फिरदौस आशिक आवान का दावा, राणा सनाउल्लाह पर इंतखाबी माहौल को पुरतशद्दुद बनाने का इल्जाम। नौशेरा के जिमनी इंतखाबात में शिकस्त पर PTI का एक्शन, लीगी उम्मीदवारों की हिमायत के इल्जाम में लियाकत खटक सूबाई वजारत से फारिग। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर चार्जशीट भी तैयार, कामरान बंगश का वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करने का ऐलान। लियाकत खटक की वजीर आपाशी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से बरतरफी पर PK 63 से PTI के नाकाम उम्मीदवार मियाँ उमर काका खेल के हुजरे में जश्न, पार्टी के फैसले का खैर मकदम। शुमारी वजीरिस्तान के इलाके मल्क खेल में दहशतगर्दों के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन, फायरिंग के तबादले में सरगना रहमत समेत दो दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए हवलदार शहजाद रजा शहीद। पाक बहरिया की शुमाली बहर अरब में रूस और श्रीलंकन बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकें खत्म, एंटी एयर वारफेयर और कसीरुल जहती मैरीटाइम खतरात से निपटने का मुजाहिरा। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही, मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।